इंटरनेट की कदम थी, तो मुझे लगता है उसके बाद जैसे ही इंटरनेट रिस्टोर हुआ तो नॉर्मल सी काम काम तो नॉर्मल ही चल रहा था। तो लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन आर्टिकल एलजी गवर्नमेंट है तब से अभी तक, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों की बात सुन रही है और काम भी हो रहा है। हालांकि अगर आप बात करेंगे लोगों की जो मुश्किलात है वो भी हल हो रहे हैं, अगर बाकी चीज़ों की बात करें वो भी हल हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मीडिया के हवाले से बात करें तो उनका भी प्रोसेस ठीक चल रहा है, लेकिन जो यहाँ का जो सोशल मीडिया है उससे प्रॉब्लम हो गई। हालांकि अगर आप देखेंगे मीडिया में अभी सब लोग पेज बनाते हैं उसके हवाले से, वो भी जर्नलिस्ट कहलाते हैं। तो इसके हवाले से अगर कोई अच्छी सी स्कीम निकलती है जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो जो पेज यूज करते हैं, अगर उनके लिए एक अच्छी सी होम मिनिस्ट्री से अच्छे से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है कौन पेज यूज कर सकता है कौन पेज यूज नहीं कर सकता है, तो मुझे लगता है मीडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। यही बात है, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें या गोल्डन कार्ड की बात है, लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी उससे मदद मिली। हालांकि 5 लाख का इंश्योर मिलता है लोगों को गोल्डन कार्ड की वजह से, ये अच्छा स्टेप है। हालांकि जो पिछले 70 साल से हमने देखा नहीं था ये गोल्डन कार्ड क्या होता है, या लोगों को आराम नहीं मिलता था हॉस्पिटल में। अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ पे अब लोग जाते हैं वहाँ पे गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो उनका खर्चा बहुत कम होता है। और अगर हम मीडिया पॉलिसी की बात करें वो भी अच्छे से चल रही है, या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें वो भी ठीक चल रहे हैं। हालांकि हाँ, ये भी होना चाहिए कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुने और उनके पास फिर उनका मसला अच्छे से फिर हल हो सके। अगर हम बात करें तो एलजी सरकार ने भी अच्छा काम, हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी खामियां रखी थी जो एलजी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दी।